सो इन केस आप इस होटल में रुकते हैं तो यू गेट टू सी दिस पर्टिकुलर व्यू। आप पीछे देख पा रहे हैं, नदी बह रही है, काफ़ी सही लग रही है, अच्छी लग रही है, बट काफ़ी ब्यूटीफुल है। यू कैन एंजॉय इट एंड यू कैन लुक हैव अ लुक एट इट एंड द सीनरी लुक्स गुड। तो मैं आपको बस ये बता रहा था, आप इसमें काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है आपको एंड यू एंजॉय। अब सुबह के 6 बज रहे हैं, हम अभी निकल रहे हैं, तो काफ़ी ठंड है, ठीक है। जैसे कल हम हाफ स्लीप में घूम रहे थे, आज ऐसा हाफ स्लीप में नहीं घूम पा रहे। और तो और एक और बात है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में संडे छुट्टी रहती है, तो आपको कुछ सामान चाहिए आप पहले ले आओ ताकि कोई दिक्कत ना रहे। ये हमारी कॉन्टो है जिसे हम यूज़ करते हैं। तो अभी तक सो फार कॉन्टो का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा, लाइक वी आर एंजॉइंग इट। तो भाई हम आ चुके हैं वहाँ पे, जो हमारा किनार के टनल आती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू है। बट एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि आप जो है रोकने की जगह नहीं है बिल्कुल भी, टाइट एरिया है एंड ये टनल है हमारी। तो देख सकते हैं आप वहाँ पे वो सामने ट्रक आ रहा है, ट्रक के बाद ये हमारी टनल है। मैं ज़्यादा देर नहीं रुक पाऊँगा, मेरे को निकलना है आगे। तो काफ़ी अच्छा व्यू है अगर आप देखना चाहें तो, है ना, काफ़ी ज़्यादा डीप, काफ़ी ज़्यादा डीप है। तो ये हमारा रूट है, देखिए
काफ़ी अच्छा, बहुत प्यारा, मतलब फीलिंग है बॉस, फीलिंग। भाई फाइनली इतने हैवी ट्रैफिक के बाद हम पहुंच गए हैं सांडला। तो बहुत ठंड है, ठीक है, तीन लेयरिंग पहन रखी है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप दूर देखो पहाड़ों पे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, जितनी भी बर्फ़ है, बट स्टिल द व्यू इज़ गुड, चांद भी अच्छा दिख रहा है, मतलब मज़ा ही आ रहा है, फीलिंग आ रहा है। चूहे सिखाए हैं एंड जो कुछ कुछ चूहे सिखाए हैं वो काफ़ी ज़्यादा तंग रोड थी, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने, आपके ट्रैक कर रहे हैं एटलीस्ट एंड कीप थिंग्स विद यू, तो काफ़ी अच्छा रहे, अदरवाइज बहुत दिक्कत रहती है। बेस्ट ऑल वाज गुड, बाकी देखते हैं और आगे चल रहे हैं। अभी तो हम सिर्फ सांगला पहुँचे, फीलिंग ही अच्छी है, बस इतनी ठंड है कि इतनी चाय पीनी पड़ रही है ना। सही है, अच्छी जगह है, पहाड़ की चोटियाँ दिख रही हैं, बर्फ दिखनी शुरू हो चुकी है, अब आगे देखते हैं चित्रकूट में कितनी बर्फ दिखती है या नहीं दिखती। और देखो आसमान इतना क्लियर है कि वो देखो चंद्रमा भी दिखाई दे रहा है, ठंड के साथ साथ।